कभी कभी पारिवारिक कला एक बड़ा रूप ले लेता है। इसका नज़ारा देहरादून के नत्थनपुर में देखने को मिला। पति पत्नी के बीच हुए सामान्य झगड़े में जमकर मारपीट हुई। पत्नी पक्ष ने ससुरालियों को जमकर पीट दिया। इस झगड़े में सास ननंद देवर और देवरानी को गंभीर चोटें आई है, जिनका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। स्थानीय लोगों ने कार्रवाई की मांग को लेकर देहरादून SSP का घेराव किया, जहाँ पुलिस कप्तान ने पीड़ित पक्ष को कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। वहीं पीड़ित पति ने इस पूरे मामले में जो बयान दिया है वो मामले को अलग ही मोड़ दे रहा है। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरे घर में कई दिनों से काफ़ी विवाद चल रहा था, क्योंकि मेरी पत्नी के किसी अदर पर्सन से भी कुछ संबंध थे, उसको लेके घर में विवाद होता रहता था। मैंने डिवोर्स के पेपर फाइल कर दिए थे ताकि इन सब चीज़ों से निपटारा हो सके। मैं बुकिंग के लिए गुड़गांव गया हुआ था, 3 दिन बाद कल ही मैं वापसी आया हूँ। मेरी गैर मौजूदगी में मेरी फैमिली थी, मम्मी पापा पे, भाई पे, उसकी वाइफ पे, पूरी फैमिली पे। इन्होंने प्री प्लानिंग अपनी फैमिली को बुलाया, कुछ अन्य व्यक्तियों को बुलाया और इनके ऊपर जानलेवा हमला करा, जिससे मैं आते ही देखकर बहुत परेशान हुआ। मेरी मदर का रात ही ऑपरेशन हुआ है, सिर का ऑपरेशन हुआ है और अभी वो ICU में है। डॉक्टर ने 24 घंटे का टाइम दिया हुआ है कि कुछ भी हो सकता है।